हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 1, चैप्टर 1, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। इन दिस यूनिट डील विथ, हम इस जो यूनिट है इसमें निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, ज्योग्राफी एज एन इंटरग्रेटिंग डिसिप्लिन। इंटरग्रेटिंग मीन्स एकीकृत, यानी कि एक लंबे इतिहास की तरह एकीकृत डिसिप्लिन के अनुशासन के रूप में देखे जाने वाला सब्जेक्ट है। एज ए साइंस ऑफ स्पिरिटल एट्रीब्यूट, ये एक विज्ञान के रूप में कार्य करता है। सेकंड, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी है उसके क्या महत्व हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड इज़, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल क्या है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है उससे के बारे में अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ है, भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट, जो ज्योग्राफी भूगोल और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके बीच में किस तरीके के रिलेशंस हैं, क्या संबंध हैं उससे संबंधित अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट, ज्योग्राफी आंसर द क्वेश्चन वेयर व्हाट एंड वाई, यानी कि ज्योग्राफी में वेयर कहाँ, व्हाट क्या और क्यों, इन सभी सवालों का जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, यानी कि फिजिकल भौतिक भूगोल और नेचुरल साइंस यानी कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके बीच में क्या संबंध है उससे रिलेटेड अध्ययन करेंगे। नाइन इज, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस रिलेशन, यानी कि भूगोल और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो संबंध हैं उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। अगला, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, यानी कि जो ज्योग्राफी भूगोल है उसकी जो शाखाएं हैं बेस्ड आधार जिनका होगा सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। और लास्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट इम्पोर्टेंस, यानी कि जो भौतिक भौतिक भूगोल है और उसके क्या महत्व है इनसे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। तो इस यूनिट में हमें ये जो टॉपिक हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें भूगोल जो है उसे भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, यह है। नंबर एक, वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि हम अर्थ यानी कि जो पृथ्वी की सरफेस सतह पर रहते हैं इसलिए हमें उससे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आवर लिव्स आर इफेक्टेड मैनी वेज बाय आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं उनसे हमारी जो लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हम जो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन हैं जो पृथ्वी की परत पर जो उपलब्ध संसाधन हैं हम उस पर डिपेंड यानी कि निर्भर करते हैं, इसलिए हमें उसका पता होना चाहिए। प्रीमेटिव सोसाइटी सब्सटेंसिव ऑन द प्लानेट एंड एनिमल्स, यानी कि जो जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी तत्व हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो प्लांट और एनिमल्स जितने भी हैं वो भी उनके बारे में अध्ययन हमें करना चाहिए। फूड शेल्टर एंड ड्रेस एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, यानी कि जो जलवायु है जलवायु पर जो खाना है जो रहने की जगह है और ड्रेस यानी कि जो हम जो पहनते हैं वो जलवायु पर निर्भर करता है, इसलिए हमें जलवायु का अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए। क्रॉपिंग
पैटर्न इज़ बेस्ड ऑन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जितनी भी जो फसलें हैं, फसलों का जो पैटर्न है, जो फसलों का बोने का जो तरीका है, उस पे भी जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें जलवायु का अध्ययन करना चाहिए। टू नो द चेंज टेकन प्लेस थ्रू आउट द जोग्राफिकल टाइम, यानी कि जोग्राफिकल टाइम यानी कि जो भौतिक समय है उसके बदलाव के कारण जो प्लेस यानी कि स्थान में जो बदलाव आता है वो क्यों आता है, इसका अध्ययन हमें ज्योग्राफी में किया जाता है। टू नो द लैंड एंड पीपल, हमें पृथ्वी की जो सतह है उसके बारे में और लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हमें भूगोल के अध्ययन से प्राप्त होती है। डेवलप स्किल टू कन्वर्ट ग्लोब द मैप, यानी कि जो मैप है, जो ग्लोब है, जो मैप है उसी का अध्ययन करने के लिए हमें इस कौशल का अध्ययन करना पड़ता है। टू हैव वर्चुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, हमें जो अर्थ सरफेस है, जो इनकी पृथ्वी की परत है, उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सब जितने पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अध्ययन से ही हमें इन सब बातों का पता चलता है। व्हाट आर द रीसेंट टेक्निक्स दैट हेल्प टू ज्योग्राफर ऑफ अंडरस्टैंड द अर्थ सरफेस बेटर, यानी कि आज के समय में ज्योग्राफर्स यानी कि जो भूगोल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले भूगोलविद हैं, उनको अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह की जानकारी के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स यानी कि तकनीक है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहली तकनीक है GIS एंड GPS। जो GPS सिस्टम होता है उससे आज हम भूगोल का अध्ययन यानी कि पृथ्वी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है कंप्यूटर कार्डियोग्राफी। कंप्यूटर कार्डियोग्राफी कंप्यूटर के माध्यम से भी, कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके माध्यम से भी हम आज अर्थ सरफेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड इज़ व्हाट इज़ ज्योग्राफी, यानी कि जो ज्योग्राफी है, भूगोल क्या है। द अर्थ कॉन्सेंट ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, यानी कि जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी है, उसके फिजिकल एंड कल्चर फीचर्स होते हैं, यानी कि भौतिक और सांस्कृतिक उसके फीचर्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये बदलते रहते हैं। दिस डिफरेंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, वो हमें जो फिजिकल और कल्चर फीचर्स है उसके जो बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। फिजिकल फीचर्स प्रोविडेड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इनहेंस द ड्रामा टू डेवलप देयर स्किल विद द यूज़ ऑफ स्किल एंड टूल्स ही मॉडिफाइड द नेचर, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि जो हमारे भौतिक जो रूप हैं, भौतिक रूप में वो ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मनुष्य का जो समाज है उसमें इस तरीके के परिवर्तन यानी कि विकास के कौशल उत्पन्न करते हैं जिनके माध्यम से हम नेचर यानी प्रकृति को मॉडिफाई यानी कि बदल सकते हैं। ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ज्योग्राफी होती है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका वर्णन इसमें किया जाता है कि पृथ्वी पर किस तरीके की आकृतियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से जो बदलाव होते हैं, जो पृथ्वी है उसकी जो इनर लेयर है यानी कि उसके अंदर किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, किस तरीके की बनावट है, इन सब का अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। वो कॉइंडेड द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी
फर्स्ट यानी कि जो पहली बार जो ज्योग्राफी यानी भूगोल शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? अर्थोटोटस एक ग्रीक स्कॉलर यानी कि अर्थोटोसिंस है जो एक ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था इन 276 टू 194 BC। BC यानी कि बैक ऑफ क्राइसिस, बिफोर ऑफ क्राइसिस, उस समय इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। व्हाट इज़ द ओरिजन ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है? द वर्ल्ड ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज यानी कि जो ग्रीक भाषा है उससे लिया गया है। जियो 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 जिसका अर्थ होता है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, एंड ग्राफोस यानी कि डिस्क्रिप्शन वर्णन यानी कि जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। सम स्कॉलर डिफाइंड ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अडॉप्ट अ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने ज्योग्राफी की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसमें अर्थ यानी कि पृथ्वी और मनुष्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी और मनुष्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हाउ कैन वी से दैट द अर्थ इज मल्टी डायमेंशनल यानी कि जो हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी अलग अलग तत्वों से बनी हुई है? द मैनी साइंस से डेवलप टू डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज जियोलॉजी, पेडियोलॉजी, ऑर्कियोग्राफी, बायोनी, जूलॉजी एंड मेट्रोपोलॉजी एंड कल्चर फीचर ऑफ द अर्थ सच एज इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंटियोपोलॉजी यानी कि जो ज्योग्राफी है वो अलग अलग जो हमारी जो साइंस है में अलग अलग तरीके के विज्ञान है उससे उसका संबंध होता है। इनमें कई सारे विज्ञान हैं जो अर्थ से रिलेटेड होती हैं जैसे जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ऑर्कनोग्राफी, बायोनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, कल्चर फीचर्स में आते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी से ज्योग्राफी का संबंध होता है। हाउ डज ज्योग्राफी डिफर टू द अदर सब्जेक्ट, जो ज्योग्राफी है वो किस तरीके से जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है अलग अलग विषयों से संबंधित होती है? ज्योग्राफी डिफर फ्रॉम अदर सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैटर एंड मैथोलॉजी, ज्योग्राफी ड्राइव्स द डेटा फ्रॉम सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस यानी कि जो ज्योग्राफी है वो अन्य जो विषय है उससे अलग अलग तरीके से संबंध रखती है। ज्योग्राफी प्रदान करती है डेटाज यानी कि जो आंकड़े हैं वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान इन दोनों से अपने आंकड़े प्राप्त करती है और इन्हें अपने आंकड़े प्रदान भी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विथ ज्योग्राफी विथ अदर सब्जेक्ट, रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट, मिडिल इज ज्योग्राफी, बॉटनी एंड जियोलॉजी, पेडियोग्राफी इट मीन्स सॉयल ज्योग्राफी, मेट्रोपोलिस इज क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी इज जियोथर्मोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। हाउ डू अदर सब्जेक्ट हेल्प ज्योग्राफी एज द इंटरग्रेटिव सब्जेक्ट, इट मीन्स जो अन्य विषय हैं वो किस तरीके से ज्योग्राफी यानी भूगोल को भूगोल की मदद करते हैं कि वो एक इंटरग्रेटिव यानी एकीकृत सब्जेक्ट यानी विषय के रूप में कार्य कर।
हिस्ट्री हेल्प इन नोइंग द मैन मेड एक्टिविटीज़। जो हिस्ट्री होती है वो ज्योग्राफी को ये बताता है कि मैन मेड एक्टिविटीज़ यानी कि मनुष्य के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की गई हैं। फिजिक्स हेल्प टू कैलकुलेट द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द मैन। जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान है वो ये कैलकुलेट यानी कि ये गणना करने में सहायता प्रदान करता है कि क्लाइमेट यानी जलवायु का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र है वह यह जानकारी प्रदान करने में मदद करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मनुष्य की क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री यानी कि जो देश है देश के विकास पर मनुष्य की क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करने में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र मदद करता है। द ज्योग्राफिकल फैक्टर मॉडिफाई द कोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो हिस्ट्री यानी इतिहास को देखकर अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप को मॉडिफाई यानी कि नवीन बना सकते हैं। द चेंज इन द क्लाइमेट एज इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्यूपेशंस यानी कि जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु है जलवायु के बदलाव के बाद किस तरीके से हम अपने ऑक्यूपेशंस यानी कि जो हमारे काम काज है उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस में क्या संबंध है। डिफाइन द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विथ नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल के बीच में संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हैव क्लोज रिलेशन विथ नेचुरल साइंस बायोग्राफिक हैज़ क्लोज लाइक विथ जूलॉजी एंड बॉटनी। जितनी भी हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो भौगोलिक के जो भूगोल है भौतिक भूगोल है उसका जो क्लोज रिलेशन यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध है नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान से। और इसमें भी अगर हम देखें तो जूलॉजी और बॉटनी से इसका बहुत अधिक संबंध होता है। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है जो फिजिकल ज्योग्राफी को इफेक्टिव करते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के विकास में भूगोल के विकास में मैथमेटिक्स यानी कि गणित एंड आर्ट्स यानी कि कला इन दोनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। टू मेजर्स द एरिया एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ यानी कि ये जो डायमेंशन यानी कि जो एरिया के जो क्षेत्र क्षेत्र है उसके जो डायमेंशन है उसकी जो माप है उसकी जानकारी में मैथमेटिक्स और आर्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कार्थियोग्राफी एंड प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। जो कार्डियोग्राफी और जो प्रोजेक्शंस हैं वो गणित पर निर्भर करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल साइंस टू द ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम जो सोशल साइंस का क्या योगदान रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी में मनुष्य मानव विज्ञान में सोशल ज्योग्राफी सोशल जो साइंस है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है उसका मानव भूगोल में क्या योगदान है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री है इतिहास है वो ज्योग्राफिकल यानी कि जो भौगोलिक इतिहास है वो मदर ऑफ द ऑल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी यानी कि जो भूगोल है भूगोल के जितनी भी शाखाएं हैं उनमें सबसे जो पहली शाखा है सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट
थॉट, यानी कि जो हमारे इतिहास के जो प्राचीन विचार हैं, ज्योग्राफिकल यानी कि भौतिक विचार हैं, वो सभी ब्रांचों में सबसे पहले आते हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड द एक्सेप्ट ऑफ सोशल रिलेशन रियलिटी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी हैज़ क्लोज लिंक विथ डेमोग्राफी। जो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये सभी जो सोशल रियलिटी यानी कि जो हमारी सामाजिक वास्तविकता है उसका ज्ञान हमें कराते हैं, जिससे हम जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जो जनसंख्या भूगोल है उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच इंट्रोड्यूस बाय एलेक्जेंडर वैन होबर्ट हम्बर्ट, ए जर्मन ज्योग्राफर। यानी कि ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की शाखाएं, बेस ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसे से हम जो ब्रांचेज हैं, जो ज्योग्राफी की ब्रांचेज है उसका अध्ययन करेंगे। इस अप्रोच यानी कि इस विचार को प्रस्तुत किया था एलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट थे जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस यानी कि लागू किया था। अब हम एलेक्जेंडर वैन होबार्ट के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी है उसकी जो ब्रांचेज हैं उसको अलग अलग फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। फोर ब्रांचेस, फिजिकल, प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक एंड ह्यूमन। फिजिकल ब्रांच आर डिवाइडेड इंटू ऑल्सो फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज जियोमोलॉजी, सेकेंड इज क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड इज हाइड्रोलॉजी एंड फोर्थ इज सोयलॉजी। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स इज ऑल्सो डिवाइड इन टू पार्ट्स, जियोग्राफिकल थाट एंड ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड एंड ह्यूमन इंट्रोडक्शंस। मेथड एंड टेक्निक्स ऑल्सो डिवाइड इन फोर पार्ट, कार्टियोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड एंड जियो इंफॉर्मेटिव ऑल्सो डिवाइड इन थ्री पार्ट, GIS, GPS एंड LIC। फोर इज ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल्सो डिवाइड इन द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो डिवाइड इन द थ्री पार्ट, सोशल कल्चर, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आर अदर डिवाइडेड इन एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट इज कार रेटर है, उसने भी जो ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज है वो अलग अलग रूप में डिवाइड की है। इनका जो बेस है वो है रीजनल अप्रोच। ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। इन्होंने चार भागों में जो ब्रांचेज है ज्योग्राफी की उसे डिवाइड किया है, रीजनल स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस एंड रीजनल प्लानिंग। रीजनल स्टडीज ऑल्सो डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, माइक्रो रीजनल स्टडीज, मेसो रीजनल स्टडीज एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज। द रीजनल प्लानिंग ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कंट्री रूरल प्लानिंग, टाउन एंड अर्बन प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ईच एलिमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसमें हम लिथोस्फीयर, ऑटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इन चारों तरीके के जो मंडल हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। ईच एलिमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये सभी जो तत्व हैं वो ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। सेकेंड इज़ लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड बेस ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सेटलमेंट। माउंटेन प्रोवाइड वाटर ऑफ रिवर, फॉरेस्ट, सेंटर ऑफ टूरिज्म स्पोर्ट। द लैंड फॉर्म है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है कि जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, ट्रांसपोर्ट यातायात, कम्युनिकेशन यानी कि संचार एंड सेटलमेंट यानी कि किस तरीके से हम वहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं। माउंटेन्स जो हमें जो प्रोवाइड कराते हैं वाटर टू रिवर्स, यानी कि जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं उनको पानी देते हैं। फॉरेस्ट सेंटर ऑफ टूरिज्म, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जो जंगल हैं, इन सभी का अध्ययन हम ज्योग्राफी के माध्यम से कर सकते हैं। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक, फूड एंड क्लोथ ऑफ द पीपल। जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो मनुष्य की जो क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि जो फसलों को बोने की क्रिया है, लाइफ स्टॉक जो मनुष्य की जो आवश्यक चीज़ें हैं उनमें, फूड यानी कि भोजन, क्लोथ यानी कि वस्त्र, इन सभी को प्रभावित करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो विंटर्स होती हैं उनमें हमारा फूड एंड क्लोथ डिफरेंट टाइप का होता है कंपेयर टू समर्स। समर्स में हमारा यानी कि जो गर्मियां हैं, गर्मियों में हमारा फूड एंड जो क्लोथिंग सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है और इस क्लाइमेट यानी कि जलवायु की जानकारी भी हमें भूगोल में प्राप्त होती है। लिमिटेड एंड पार्टिसिपेशन इन्फ्लुएंस ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगलों में किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से हमारे लिए उपयोगी हैं, इनका अध्ययन भी ज्योग्राफी में किया जाता है। ओशन प्रोवाइड फूड, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट। ओशंस यानी कि जो महासागर हैं उनसे हमें किस तरीके का भोजन, पानी, जल, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जल यातायात, इन सभी सोर्सों का मालूम चलता है। दे आर द सोर्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल सर्किल। हाइड्रोलॉजिकल सर्किल यानी कि जो जल मंडल है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। लास्ट इज व्हाट इज ज्योग्राफी, तो जो रिचर्ड हैरिसन है उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में कहा है, ज्योग्राफी इज कॉन्क्रेटेड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी का संबंध अर्थ सरफेस यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सरफेस जो परत है उससे संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। सेकंड है हिटनर। हिटनर ने ज्योग्राफी स्टडी इज डिफरेंस ऑफ फेनोनोमा एंड अस यूज रिलेशन ऑफ डिफरेंस पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। उन्होंने ज्योग्राफी को से संबंधित यानी कि अलग अलग जो पृथ्वी की अलग अलग जो सतह है उसमें किस तरीके के अलग अलग प्रकार की जो रिलेशंस हैं, जो रिलेटेड हैं यानी कि जो हमारी पृथ्वी से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है उसे ज्योग्राफी कहते हैं।